बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है ओरछा नगरी। ओरछा की जलवायु ही ये प्रमाण करने के लिए काफी है कि ये जगह महज जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि समय के पन्नों पर लिखी एक किताब है। ओरछा पुराने महलों और मंदिरों की थाती है और यहाँ बनाए गए राजा महल, जहांगीर महल, चतुर्भुज टेंपल जैसी ढेरों इमारतें अपने वजूद की कहानियों को बयान करने से नहीं चूकती। 17वीं शताब्दी में बनाई गई जहांगीर महल राजा वीर सिंह देव द्वारा मुगल बादशाह जहांगीर के लिए उपहार स्वरूप बनाया गया था। ये 3 मंजिलों में बनी इमारत फिरोजों से सजी हुई है। हिंदू इस्लामिक कला की एक बेहद खूबसूरत सौगात है ये महल। और इसी श्रेणी में अगला नाम आता है ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का। चतुर्भुज मंदिर की खासियत ये है कि इस मंदिर की मूर्ति कहीं और बसी है। मान्यता है कि महाराजा माधुकर शाहजू देव की रानी गणेश कुमरी अयोध्या से श्री राम की मूर्ति जब ओरछा ले आए तब ये मंदिर पूरा बना नहीं था। अनजाने में उन्होंने ये मूर्ति अपने राजमहल में रख दी, लेकिन मंदिर बनने के बाद श्री राम की मूर्ति को कोई उठा नहीं सका। आखिरकार चतुर्भुज मंदिर के ठीक सामने श्री राम की मूर्ति के चारों ओर रामराजा मंदिर बना और चतुर्भुज मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित की गई। ओरछा का राजा महल यहाँ के पुरातन राजाओं का निवास स्थान रह चुका है। राजमहल के वरांडों में चौकोर मंडप और महल के दरवाजों पर की गई बेहतरीन जाली वर्क यहाँ पर राजपूतों और मुगलों के निवास का प्रमाण देते हैं। महाराजा वीर सिंह देव द्वारा बनाया गया एक और मंदिर है ओरछा का लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये मंदिर करीब 1622 ईस्वी में बना। इस मंदिर में ओरछा की कला का एक स्वरूप पाया जाता है। ओरछा की कला भारत के परंपरा और संस्कृति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पाई जाने वाली पुरातन चित्रकारी देश ही नहीं दुनिया भर में कहीं और नहीं दिखती है। ये अपने आप में बेहद खास और आश्चर्यपूर्ण है क्योंकि इन चित्रों की नक्काशी लाख से की गई है और इनको जैविक रंगों से रंगा गया है। ये देश की किसी भी जानी मानी चित्र शैली से भिन्न है और इन चित्रों में रामायण और महाभारत की कहानियों के अंश भी नजर आते हैं। लेकिन इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ देवी लक्ष्मी या किसी भी देवी देवता की मूर्ति नहीं है, मगर इन राजमहलों के अलावा ओरछा अपने रोमांचक लोक साहित्यों के लिए भी जाना जाता है। ओरछा के साथ ढेरों रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हैं, जैसे लाला हरदोल की कहानी जहां ओरछा के राजकुमार ने अपनी भाभी का मान रखते हुए जहर पी लिया और अमर हो गए। कहते हैं आज भी बुंदेलखंड की हर शादी के पहले मेहमान होते हैं लाला हरदोल। वैसे ही ओरछा की महान नर्तकी राय प्रवीण, जिन्होंने अपने ओरछा के प्रेम को अकबर की विशेष दरबार से ऊपर रखा और अकबर की दरबार में उन्हें ही ताने मारते हुए राय प्रवीण के शब्द सबको जबानी याद हो चले हैं। उन्होंने कहा, विनीत राय प्रवीण की सुनिए साहसुजान, जूठी पातर भाकत हैं बारी बयास सवान। ओरछा बस इतने में ही सीमित नहीं है, यहाँ इन्हीं के जैसी अनगिनत लोक वार्ताएं, महल, मंदिर और कहानियां पाई जाती हैं, जिन कहानियों को बहुत ढूंढा जाए तो भी शायद ही मिल पाए।
अगर आप भी ऐसी कुछ कहानियों को जानते हैं तो प्लीज कमेंट करें।